नमस्कार साथियों, मैं सोनू शर्मा, इंस्पिरेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। बात कर रहा हूं त्याग की, बात कर रहा हूं बलिदान की, बात कर रहा हूं सेक्रीफाइस की। बड़ा मन है आपसे चर्चा करूं उस ग्रंथ का जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है, रामायण। हर किरदार में कुछ ना कुछ सीखने को है। हम सब ने हर किरदार से कुछ ना कुछ सीखा। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हर किरदार कुछ ना कुछ संदेश देता है। और आज ऐसे ही एक और किरदार के साथ आपसे मुखातिब। मैं बात कर रहा हूं भगवान लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला जी के बारे में। जी हां, भगवान राम को 14 बरस का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी मां सीता जी ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया हंसते हंसते। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो पाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ली वन में जाने की, मां ने आज्ञा दी। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोचा, मां ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी ने जैसे ही अपने कक्ष में कदम रखा तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेकर खड़ी है और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा, कोई विघ्न ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूं। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 बरस तक उर्मिला जी ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को जब शक्ति लगी, एक प्रसंग है, आप जानते होंगे कि भगवान लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में युद्ध हुआ और मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति मारी। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय चले। और जब हिमालय से संजीवनी बूटी वापस लाए तो भरत जी ने उनको एक तीर मारा। ये एक व्याख्यान है जो रामायण में दिखाया जाता है कि मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही मां कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में अश्रुधारा बह गई। परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। हनुमान जी संकोच से पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है, आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों को कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना रह नहीं सकता। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है हनुमान, वे बुझ ही नहीं सकता। और रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आप ही ने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वे दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं, उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम लंबा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है,
दर्द राम जी को हो रहा है, इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी, राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। जय श्री राम।